बाबा साहब के सामने शिवलिंग बनाने वाले केस में आया नया मोड़। पुलिस थाने पहुंची अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के जातिवादियों की करतूत। डॉक्टर अंबेडकर के अपमान के खिलाफ बहुजनों ने खोला मोर्चा। उन बाबा साहब की विचारधारा को खत्म करने वाले लोगों की यहाँ जरूरत नहीं है। अगर ऐसा होगा तो मुंह तोड़ जो है वो जवाब दिया जाएगा। ब्राह्मणवाद वर्सेस अंबेडकरवाद, अब होगी सीधी टक्कर। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर दिल्ली में बने डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर से आई ये तस्वीरें आप सबने जरूर देखी होंगी। अगर आपने इन तस्वीरों को देखा है तो आपका दिल भी तार तार हो गया होगा। हिंदू धर्म को ठुकराकर बौद्ध धर्म अपनाने वाले बाबा साहब के सामने ही हिंदूवाद का खुला खेल चल रहा था। ये अंबेडकर वादियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला था। अगर आप इन तस्वीरों के पीछे की कहानी जानते हैं तो आप उस पीड़ा को भी समझ रहे होंगे जिनसे अंबेडकर वादी गुजरे हैं। लेकिन जो लोग इस साजिश को नहीं जानते उन्हें हम बता देते हैं कि ये तस्वीरें अंबेडकर वाद बनाम ब्राह्मणवाद की सीधी टक्कर को दिखाती हैं। ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली में बने डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर से सामने आई थी, जहां बीती 18 फरवरी यानी शिवरात्रि के दिन ब्राह्मणवादियों ने अंबेडकर वादियों का मखौल उड़ाया था। यह ठीक बाबा साहब की भव्य मूर्ति के सामने ही फूलों से एक शिवलिंग बना दिया गया था। सिद्धि फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम के तहत पूरे कैंपस में हिंदू प्रतीकों को बिखेर दिया गया था। कहीं हवन कुंड बना था तो कहीं शिव पुराण चल रहा था, कहीं शिव तांडव की गूंज थी तो कहीं कोई जय जय महादेव पुकार रहा था। बाबा साहब को समर्पित सेंटर में हवन कीर्तन और जागरण जैसा माहौल था, जहां बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं धरी रह गई थी। लेकिन ब्राह्मणवादियों की इस करतूत के खिलाफ अब अंबेडकर वादियों ने भी मोर्चा खोल दिया है। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की घटना को लेकर हसदो इंडिया संस्था के लीगल सेल की चेयरमैन एडवोकेट मोनिका सिंह और उनकी टीम ने थाना संसद मार्ग में शिकायत दर्ज कराई है और बाबा साहब के अनुयायियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस को दी गई शिकायत में लिखा है, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में जो हुआ वो बाबा साहब को गाली देने जैसा है। ये सब जानबूझकर बाबा साहब के अनुयायियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए किया गया था, जो बाबा साहब की उन 22 प्रतिज्ञाओं को मानते हैं जिनमें मूर्ति पूजा, वेदों पुराणों और किसी तरह के अनुष्ठान ना करने की बात है। इस पूरी घटना से हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है। बाबा साहब के अपमान और हमारी भावनाओं को आहत करने के आरोप में आईपीसी की धारा 295, 295 ए और 298 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए। हसदो इंडिया ने कार्यक्रम आयोजित करने वाली सिद्धि फाउंडेशन की मीना महाजन पर भी बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। हमारे लोगों की तो सिर्फ जो है वो खाना पूर्ति की जा रही है, मुझे ऐसा लगता है। और आपके सामने तो अब तो कोई प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है ही नहीं कि जिस आइडियोलॉजी का विरोध जो है बाबा साहब जो है तमाम उम्र करते रहे, उसी आइडियोलॉजी को जो है बाबा साहब के सामने लाके स्थापित कर दिया। ये कहीं ना कहीं जो है बाबा साहब के जो है बाबा साहब की शिक्षाओं को जो है ना ये दरकिनार कर रहे हैं, इनको ऐसा लगता है। बाबा साहब के मंत्रालय में बैठ के, बाबा साहब के संस्थान में बैठ के जो है बाबा साहब की विचारधारा का विरोध करते हैं, बाबा साहब का अपमान करते हैं और वो सोचते हैं कि भी हमारा कुछ नहीं होगा, वो इस बुलावे में ना रहे। विकास त्रिवेदी जी तो एक मोहरा है, विकास त्रिवेदी जी को आगे किया गया, इसके पीछे जो है बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो इस अंबेडकर फाउंडेशन को ना ख़त्म करने की जो है ना वो संकल्पना के मार्फत जो ना काम कर रहे हैं। वो लोग जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं SC ST एक्ट एट्रोसिटी में जो है, अभी तक पिछली जो फाइलें जो है वो दबा के बैठी गई हैं। DM की परमिशन होने के बाद, DM की रिकमेंडेशन होने के बावजूद जो है जिनका शोषण हुआ है, जिनकी हत्याएं हुई हैं, जिनके रेप्स हुए हैं, उनको जो है उनको जो हम लोग ये कहेंगे संस्थान की तरफ से जो सहायता जो मुहैया होती थी उन पर भी जो इन लोगों ने बैन लगा दिया। लेट शिकायत इसलिए की कि भी हम लोग चाहते थे कि भी डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल की तरफ से जो है कोई पहल हो, और जब नहीं हो रही है
हम लोगों ने ये भी सोचा कि भी और भी जो हमारे बहुजन संगठन हैं, हम लोगों ने कॉल किया उन लोगों की, वो लोग भी आए। फिर हम लोगों ने ये देखा कि भाई ये चीज़ जो नहीं हो रही है, तो हम लोगों ने जो है, हम लोग चाहते तो एक बड़ा प्रोटेस्ट भी कर सकते थे, धरना प्रदर्शन कर सकते थे, दूसरे तरीके हम लोग अपना सकते, लेकिन हम लोगों ने जो है संविधान में विश्वास रखते हुए संवैधानिक तरीके से जो है हम लोगों ने जो है रास्ता इख्तियार किया। आज इसी उसमें जो है 9 दिन के बाद जो है हम लोगों ने जो है पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन में जो इसकी जो है रिपोर्ट दर्ज करवाई है, और आगे अगर ये पुनर्वृत्ति होती है, देखिए हम लोग चाहते हैं कि भी इस सेंटर में जो है बाबा साहब की विचारधारा को चलाने वाले लोगों की ज़रूरत है, उन बाबा साहब की विचारधारा को ख़त्म करने वाले लोगों की यहाँ ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा होगा तो मुंह तोड़ जो है वो जवाब दिया जाएगा, रोड पे दिया जाएगा, और वो जो है हर तरीके से हम लोग जो ना जवाब देने के लिए कैपेबल हैं उसमें जो। इस पूरे मामले में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के डायरेक्टर विकास त्रिवेदी की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। विवाद के बाद हमने उन्हें कॉल कर जवाब मांगा था, तो पहले तो उन्होंने ये कह दिया था कि उन्होंने ऐसा कोई कार्यक्रम कराया ही नहीं। सुनिए उन्होंने उस वक्त क्या कहा था। हेलो मिस्टर त्रिवेदी। Hi, my name is Sumit Chauhan. I'm calling from the Newsbeak. We are a community-based media organization working from Delhi. Primarily covers the Newsbeak. Yeah. Okay. I just wanted to ask you about a video clip which is going on social media. जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के स्टैचू के सामने एक वो बना हुआ है ना, शिवलिंग बनाया हुआ है। कहाँ बना हुआ है? अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर आपके यहाँ। बात नहीं बना पूरी ऐसे, नहीं ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। It was there, शिवरात्रि वाले दिन का है वो क्लिप, और बाबा साहब का जो सिट इन स्टैचू है जिसमें वो बैठे हुए हैं उसके सामने एक फूलों का शिवलिंग बना हुआ है। नहीं ऐसा तो मैंने नहीं देखा, वो कब का बात है? ये अभी से शिवरात्रि की, आई हैव द क्लिप एंड दैट इज ऑथेंटिक। अच्छा नहीं मुझे नहीं आइडिया है, क्योंकि वो तो नीचे सारा किराया पे जाता है ना, सारा जो नीचे का हॉल्स वगैरह है ना, लोग कोई ना कोई फंक्शन वहाँ करते रहते हैं, किसी को दिया होगा, उसने किया होगा वो प्रोग्राम, मुझे आइडिया नहीं है। यस हो सकता है, बिकॉज आप लोग तो उसको कमर्शियली भी देते ही हैं रेंट पे। उसमें कई लोगों की ऑब्जेक्शन ये है सर कि क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जो पूरी आइडिया है वो एंटी कास्ट मूवमेंट का आइडिया है, और अभी इस तरह से रिलीजियस एक्टिविटी वहाँ पे करना वो उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाता है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू नो योर टेक। मैं इनफैक्ट वहाँ पे पोस्टर आउट हो गया हूँ, मैं दूसरे ऑफिस में हूँ, मैं 1 तारीख से मैंने वहाँ से दूसरे ऑफिस ज्वाइन कर लिया है, मुझे इतना ज्यादा आइडिया नहीं है। बट यू आर स्टिल वर्किंग एज द डायरेक्टर ना? एडिशनल चार्ज बट आई डोंट गो देयर, मतलब जाता नहीं, मैं दूसरे ऑफिस में बैठता हूँ मैं। मुझे आइडिया नहीं है, मुझे जाकर चेक करना पड़ेगा, अगर आप बताएंगे क्या है। तो इसमें सर क्या ऐसी कोई जब कोई बुकिंग करता है तो कुछ ऐसी वो नहीं आप चेक करते हैं कि वो कोई रिलीजियस एक्टिविटी कर रहा है? मतलब अगर कोई वहाँ जागरण करने लगे, कीर्तन करने लगे, तो यू वॉन्ट गिव दैट स्पेस ना, बिकॉज दैट स्पेस इज रियली इम्पोर्टेंट टू द कम्युनिटी ऑल्सो। तो डोंट यू गाइस चेक कि इसकी आपकी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए जब आप बुक करते हैं, मतलब व्हाट काइंड ऑफ? नहीं चेक होता है, तो चेक करते हैं वहाँ पे पूरा उनका स्टाफ और सब चेक करते हैं वो लोग, हिंदू धर्म का डंका बजाने वाले और हिंदू राष्ट्र की वकालत करने वाले तो पहले से ही बाबा साहब के बनाए संविधान को खत्म करने की बात करते रहे हैं। ऐसे में उनकी मूर्ति के सामने ही उनकी 22 प्रतिज्ञाओं का मखौल उड़ाकर इस तरह का कार्यक्रम करना अपने आप में अम्बेडकर वादियों को चिढ़ाने जैसा था, इसलिए अम्बेडकर वादियों में इस घटना को लेकर काफी रोष है। अब ये देखना होगा कि क्या दिल्ली पुलिस सिद्धि फाउंडेशन की मीना महाजन और डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के डायरेक्टर विकास त्रिवेदी के खिलाफ FIR दर्ज करती है और उन्हें गिरफ्तार करती है या नहीं। इस बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट करके जरूर लिखें। आपसे अपील है इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें और हमारी ताकत को बढ़ाएं। अगर आप हमें आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जानकारी दी गई है। आपसे अपील है हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीक। Thank you.